क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब का बटन दबा दो प्लीज, और घंटा भी दबा दो। ओके बाय। Hey, what's up guys? So, आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। यहाँ पे हम एक घाटक ऐप का रिव्यू करने वाले हैं जो कि इंस्टाग्राम की फेक स्टोरीज क्रिएट करता है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो इंस्टाग्राम की स्टोरीज है वहाँ पे किसी भी फेमस पर्सन की यहाँ पे आप स्टोरी की व्यूज ले सकते हैं। सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि मैंने जो है आलिया भट्ट की स्टोरी की व्यू ली है इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी पे। तो आप भी कुछ इस तरीके से मतलब किसी भी फेमस पर्सन का, जो भी आपका फेवरेट पर्सन फेमस पर्सन हो, उसकी आप स्टोरी की व्यूज ले सकते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। तो इस ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। और बेसिकली आप किसी भी मतलब एक स्टोरी फेक स्टोरी क्रिएट करके करने के बाद आप किसी भी अपने फ्रेंड्स को ये शेयर करना और वो आपको पूछता रह जाएगा कि भाई ये तुमने कैसे किया, मतलब इंस्टाग्राम की स्टोरी पे ये फेमस पर्सन की व्यू तुम्हारे इंस्टाग्राम पे अकाउंट में कैसे आई, मतलब आपको पूछता ही रह जाएगा। सो आप भी कुछ इस तरीके से अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे किसी भी फेमस पर्सन का व्यूज ले सकते हैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे। सो ये वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आपने अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। ओके, सो स्टोरी क्रिएट करने के लिए आपको फेक एप्लीकेशन एक डाउनलोड करना होगा जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप का आइकन, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लीजिए जो कि फेक स्टोरी करके एप्लीकेशन होगा। इसे आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने फ़ोन में, और इंस्टॉल होने के बाद ओपन कर लीजिए इस एप्लीकेशन को। मैंने देख सकते एक फेक स्टोरी क्रिएट की थी जो कि कुछ इस तरीके थी, और यहाँ पे आप ऑल्सो देख सकते हैं कि यहाँ पे आलिया भट्ट ने स्टोरी को सीन की थी। बेसिकली ये एक फेक स्टोरी क्रिएट की गई है, मतलब ऑफिशियली ये किसी ने यहाँ पे देखी नहीं है स्टोरी, बट ये सिर्फ इसे प्रैंक करने के लिए इसको बनाया गया है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से बना सकते हैं, कोई भी स्टोरी में किसी का भी व्यू ले सकते हैं। सो उसके लिए पहले तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे प्लस के आइकॉन पे जाके एक स्टोरी क्रिएट करनी होगी फेक स्टोरी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका देख सकते हैं इंस्टाग्राम यूज़र नेम, सो कि यहाँ पे आपको अपने खुद का ऑफिशियल जो अकाउंट है उसका नेम यहाँ पे देना है, जो भी आपका इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे टाइम लिखा है, तो यहाँ पे आप टाइम सेट लिखना है जो भी जितने घंटे पहले आपने स्टोरी अपलोड की थी उसका टाइम। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 आवर्स लिख देता हूँ। एंड देन उसके बाजू में आप प्रोफाइल फ़ोटो भी सेट कर सकते हैं अपनी, जो कि बेसिकली मैं अभी यहाँ पे इसको ब्लैंक ही रखता हूँ। और ऊपर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरी फ़ोटो, तो यहाँ से आप स्टोरी सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी स्टोरी आपने आपको मतलब अपलोड करनी है। तो ये स्टोरी मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, सो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। एंड दैट्स इट। सो यहाँ पे आप स्टोरी देख, सो उसके बाद यहाँ पे आप सेव के बटन पे क्लिक कर लीजिए, और जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हो स्टोरी जो है क्रिएट हो चुकी है। अभी मेन बात जो यहाँ पे है उसको आप कैसे फेक व्यूज ले सकते हैं। सो उसके बाद आपको यहाँ पे सिर्फ स्वाइप अप करना है। यहाँ पे आप सेट भी कर सकते हैं कि कितने अपने फॉलोअर्स ने स्टोरी को व्यू किया है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 250 लिख देता हूँ। तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे आप कुछ वैलिड नंबर लिखे, मतलब ऐसा ना हो कि अपने आपके फॉलोअर्स ही मतलब सिर्फ 100 फॉलोअर्स है और यहाँ पे आप लिख दिए कि 1000 स्टोरी पे व्यू, तो मतलब ये तो कुछ बात का सेंस ही नहीं होगा कि मतलब आपके फॉलोअर्स ही नहीं इतने तो आप स्टोरी में व्यूज कहाँ से है। तो मतलब अपने फ्रेंड को वैसे ही पता चल जाएगा कि ये एक फेक स्टोरी, तो गड़बड़ ज़रूर है अभिजी। सो फेक स्टोरी के व्यूज़ लेने के लिए आपको यहाँ पे जो सेटिंग का आइकन यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं वहाँ पे जाना है। एंड देन सिंपल यहाँ पे आपको ऊपर सर्च करना है, किसी भी फेमस पर्सन को आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ MS धोनी को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और MS धोनी यहाँ पे शो कर रहा है, और जस्ट आपको यहाँ पे सेव आइकन पे क्लिक करना है, तो ये आपके फेक स्टोरी में आपको शो कर देगा। तो यहाँ पर किसी भी फेमस पर्सन को आप यहाँ पे सर्च करके यहाँ पे अपनी स्टोरी में व्यूज़ ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से सभी फेमस सेलिब्रिटी को आप यहाँ पे ले सकते हैं और स्टोरी में व्यूज़ ले सकते हैं बेसिकली। तो कुछ इस तरीके से आप अपने फ्रेंड को प्रैंक कर सकते हैं कुछ फेक स्टोरी को क्रिएट करके, जो कि उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये फेक स्टोरी है, और वो आपको पूछता ही रहेगा कि कैसे किया मुझे भी दिखाओ। तो तब आप मेरे वीडियो शेयर करके उसको बता सकते हैं कि कैसे आपने किया। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे डाउनलोड का आइकन है, जिसके क्लिक करके आप सिंपल इस इमेज को सेव कर सकते हैं अपने फ़ोन में, एंड देन यहाँ से आप सीधा शेयर कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया पे।
तो बस यार इस तरीके से आप अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे फेक व्यूज़ ले सकते हैं, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये फेक व्यूज़ है या मतलब फेक चैट या मतलब कि ये फेक स्टोरी क्रिएट की गई है। तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप में ग्रुप के अंदर शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उन लोग को भी इस ट्रिक के बारे में पता चले। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। We'll be right back.